देखा मैंने वीडियो देखा मैं ऐसे वो नहीं करता वीडियो देखा मैं देखने के बाद मुझे लगा नहीं यार मतलब बेटर लग रहा था कि बेटर है तो उन्होंने मतलब थोड़ा सा वो थे सैड थे मैं बोला क्या हुआ बोले कि ओवरऑल मैं तुमको नहीं बुलाया अब प्रो शो में जो हम लोगों ने सोचा था वो नहीं होगा तो मैं भी डिसअपॉइंटेड हुआ मैं बोला शिट यार ये क्या हो गया प्रो शो के टाइम पे जब मैं एंटर किया ना तो मतलब बहुत गुस्से में था आई वॉज वेरी मतलब एंग्री कि यार ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों क्यों नहीं दिया क्यों वो किया बट सर अभी जैसे सुनील यादव सर अभी सेकंड आए थे तो आपको लगता है कि वो भी जीत सकते सकते थे वाला कर सकते थे वाला कर इस साल ओलंपिया के लिए मेरा बहुत पैसा खर्चा तो मेरा बहुत ज्यादा है मैं जितना भी बोलूँगा वो मतलब सुन के लोग सरप्राइज हो जाएंगे फिर भी सर थोड़ा बता सकते हो <laughs> कि मतलब जैसे पहले लोग बोलते थे मरने से डर नहीं लगता अब मुझे डर लगता है मतलब मरने से क्यों डर लगता है क्योंकि अगर मैं तो जी भैया जी मैं लेकर आ चुका हूँ हमारे सिद्धांत भाई का इंटरव्यू और रिसेंटली आई बी प्रो कार्ड जीता था और मैं इनका इंटरव्यू लेकर आ चुका हूँ तो भाई मुझे जरूर बताना कि आपका फेवरेट पार्ट क्या था इस इंटरव्यू का और यार एंजॉय करो ये वाला इंटरव्यू अपने साथ प्रोटीन शेक या फिर कुछ मील वगैरह ले लेना साथ में और इन्जॉय कर सकते हो ये वाला इंटरव्यू राइट सो हेलो इनसाइडर्स मेरा नाम है और आप लोग देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग इन तो गाइस हमारे चैनल पर आ चुके हैं वन एंड ओनली सिद्धांत भाई उप्स

और बहुत लोग परेशानियाँ फेस करते हैं आप लोगों ने क्या परेशानियाँ फ़ेस करी और आपने उसको कैसे ओवरकम किया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए फैंस को एंड जो चीज़ आता है पहली बात तो उसको जो जैसे नज़रिए से आप देखते हो वो चीज़ आपके लिए वो होता है अगर चैलेंजेस आ रहे हैं उसको आप परेशानी समझोगे तो आप परेशान हो गए आप उसको समझोगे कि यही रास्ता इसी रास्ते से होके जाना है तो फिर वो आपके लिए मतलब रास्ता बन जाएगा तो स्टार्टिंग से मतलब किसी किसी को चीज़ें ईजली मिल जाती हैं और किसी किसी को फ़ाइट करके मिलती है तो मेरा वही कहानी था कि फ़ाइट करके मिला और मैं थैंकफुल हूँ कि फ़ाइट करने को मिला जिसकी वजह से मैं मेरा फाइटर वाला माइंडसेट बन गया है और अभी लाइफ में कोई सी भी डिफ़िकल्टी है कुछ भी है उसको चैलेंज करूँगा और आगे बढ़ूँगा रुकने वाला नहीं हो तो स्टार्टिंग तो यही था कि मतलब कोई हर किसी का होता है उसी तरीके से मेरा भी था उतना फैमिली बैकग्राउंड या उतना बैकअप उतना अच्छा नहीं था बट uh, कहीं ना कहीं मतलब ऐसे वैसे करके मैं हर चीज़ों के लिए खुश रहता था शुक्रगुजार रहता था कोई सा भी काम करता था जैसे थर्टीन ईयर्स का था जो लोग देखे होंगे वीडियो जो लोग पहले तो उनको पता होगा बट फिर भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ थर्टीन ईयर्स का था तब से जब पढ़ाई करता था तब से मैंने काम करना स्टार्ट किया था और काम करके पैसे कमाना उससे घर पे देना और अपना बेसिक ज़रूरतें पूरे करना तो वो सब चीज़ें मैंने की है बट कभी भी मुझे ऐसा ये नहीं लगा कि ये परेशानी है ये मजबूरी है मुझे ये लगता था नहीं ये करो मजे करो बिल्कुल सर तो सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका टर्निंग पॉइंट क्या था लाइफ के अंदर जिससे आपने सोचा कि नहीं मैंने अपनी लाइफ को चेंज करना है जिस हालात में मैं हूँ उससे बेटर लेकर आना है अपना नेक्स्ट लेवल लेकर आना है तो वो वाला आपके कौन सी एज के अंदर वो टर्निंग पॉइंट आया और आपने क्या किया उस टर्निंग पॉइंट के अंदर जब मुंबई आया मुंबई आने के बाद उतना मेच्योर नहीं था उतना मतलब रिस्पॉन्सिबल तो पहले से ही था बट कैसे बात करना है कैसे क्या करना है कहाँ मुंह खोलना है कहाँ चुप रहना है ये सब चीज़ें नहीं आती थी फिर कई सारे जॉब किए जॉब करने के बाद जब सेल्स वाले जॉब किए तो सेल्स में क्या है कि आप टारगेट नहीं पूरा करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा तो भूखे रहना प्यासे रहना फिर वो सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें सिखा देती है उसके बाद फिर करते करते फिर सीख गया गलतियों से सीखा जॉब करते करते एक्सपीरियंस से सीखा तो बहुत सारे जॉब स्विच किए पहले दूसरे सेल्स में था उसके बाद फिर इंश्योरेंस कंपनी में काम किया उसके बाद वाटर प्योरीफाई कंपनी में काम किया तो वाटर प्योरीफाई कंपनी में धीरे धीरे सेट होने लगा था और तो उसी तरीके से मैंने प्लान करके अपना सेट जॉब छोड़ दिया और छोड़ने के बाद फिर सप्लीमेंट सेल करना स्टार्ट कर दिया और अपना पढ़ाई भी करना स्टार्ट कर दिया तो मैंने पहले पर्सनल ट्रेनिंग किया और उसके बाद फिर आपका स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन किया उसके बाद फिर मास्टर ट्रेनिंग किया फिर ऐसे करते करते मतलब ये तीन तो मैंने किया था मास्टर ट्रेनिंग में हम लोग कुछ दस या बारह लोग थे कैजात सर के साथ ही रहते थे और उनके साथ ही पूरा का पूरा मतलब सीखना करना वो सब बताते थे मतलब चार घंटे पाँच घंटे का एक एक सेशन होता शेशन था उसमें पूरा डिटेल्स में तो उससे बहुत कुछ मतलब सर ने क्लियर किया था और लोग तो नॉर्मल ट्रेनिंग करके ही छोड़ देते थे मतलब पर्सनल ट्रेनिंग मैंने स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन किया फिर मास्टर ट्रेनिंग किया उसके बाद फिर स्पेशल पॉपुलेशन होता था स्पेशल पॉपुलेशन में आपको ये बताया जाता है कि कोई मेडिकल टर्म से है किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो उनको कैसे एक्सरसाइज होना चाहिए क्या खाना देना चाहिए क्या करना चाहिए तो ये करते करते फिर और और डिज़ायर बढ़ गया कि और सीखना और तो उस टाइम पर फिर मैं लोगों को गाइड भी करने लगा कोचिंग भी करने लगा मैं कॉम्पीट नहीं करता था तो फिर ये होने लगा जब गाइड कर रहा था तो रिज़ल्ट भी आने लगा जब आप परफॉर्म करते हो रिज़ल्ट आता है तो फिर क्रिटिसिज्म भी चालू हो जाता है तो लोग क्रिटिसाइज़ ये करने लगे इसका तो ख़ुद का बॉडी नहीं है ये क्या मतलब वो कर रहा है मतलब जिसको रिज़ल्ट मिल रहा है वो तो कर रहा है जो अच्छे बॉडी बिल्डर्स थे वो खुश थे मुझसे मगर जो दूसरे लोग थे कि यार ये कैसे कर सकता है तो वो लोग क्रिटिसाइज़ करना चालू किए तो मैं बोला मैं खेलूँगा क्योंकि जो लोग कॉम्पीट करते थे मैं उनको देखता था कि कॉम्पीट करने के बाद उनके पास पैसे ख़त्म हो जाते थे तो वो आगे बॉडी होने के बाद भी वो खेल नहीं पाते थे जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो मैं बोला जब मैं कॉम्पीट करूँगा तो मैं किसी से मांगने नहीं जाऊँगा कि मुझे स्पॉन्सर चाहिए या मुझे ये चाहिए जो भी चीज़ है मैं इन लोग को देख रहा हूँ इन लोग को देख के मैं डिसीजन लिया कि मैं अपना बैकअप करके करूँगा ताकि मुझे डिस्ट्रिक्ट खेलना हो स्टेट खेलना हो नेशनल खेलना हो इंटरनेशनल खेलना हो जो प्लान करूँगा मैं खेलूँगा खुद के दम पे ख़ुद के पैसे से खेलूँगा तो कॉम्प्यूटर में बहुत पहले कर सकता था बट मैंने नहीं किया तो सर वही आपका टर्निंग पॉइंट था लाइफ हाँ कि मतलब मैं अपना सेट जॉब छोड़ गया मैं ये नहीं मुझे ये देख के आप आप लोग मत करने लगना कि आपका सब कुछ सेट है और वो छोड़ के आप करो प्लान करो मैंने प्लान किया था सब कुछ बैकअप करके सोच के मेरे पास सेल्स का स्किल था मुझे मालूम था कि मैं कुछ भी सेल कर सकता हूँ कुछ भी क्योंकि मैंने प्रीवियस मेरे पास एक्सपीरियंस था तो मैं कॉन्फिडेंस था अपने चीज़ों को लेकर और मुझे नॉलेज भी था वहाँ से जो होता है मतलब पूरी तरीके से बॉडी बिल्डिंग में घुस गया और फिर 2014 में अपना फर्स्ट कंपटीशन मैंने बॉडी बिल्डिंग का खेला तो उसका भी मैं प्रेप कर रहा था इवन उस टाइम पे भी मेरा मास्टर ट्रेनिंग का आ, चल तो रहा था उसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन हाँ। है नेक्स्ट कि आपका ऐसे कम्पिटिव आपका करियर शुरू हो गया हाँ। तो सर लोग कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग बहुत ही एक्सपेंसिव स्पोर्ट है बहुत पैसा लगता है इसके अंदर तो सर आपकी स्टार्टिंग के अंदर कितना पैसा लगा और अब जो आपने प्रो शो के अंदर कम्पीट करा है मुंबई के अंदर उसके अंदर आपका कितना अप्रोसीमेटली आपका खर्चा लगा होगा उस टाइम पे वही था ना कि जैसे जैसे आपके पास चीज़ें आती जाती है तो उसी तरीके से आप लग्जीरियस रहते हो जब नहीं रहता है तो फिर जो चीज़ है उसी में आप अपना काम चलाते हो तो पहले तो मतलब पॉपलेट फिश आता था फिश के बारे में उतना नहीं पता था तो वो ले लेता था, था वो भी एक्सपेंसिव ही था वो भी कोई आ, वो नहीं था चिकन रहता था और नॉर्मल खीरा और गाजर ले लिया वही बस डाइट हो गया और कुछ नहीं नो फिश ऑयल नो ये वो कुछ भी नहीं तो उसने में ही चलता था अब तो अगर प्रेप करते हैं तो खाने में अभी चिकन हो गया अबकाडो हो गया सैलमन हो गया तो वो सब चीज़ें जैसे जैसे मतलब आप और ऐड करते जाते हो प्रोटीन सोर्स आपका मिल रहा है बट फिर आप फिर उसमें और भी देखने लगते हो कि और कितना अच्छे क्वालिटी का मिले कितना आपको न्यूट्रिशन मिले कितना आप और अच्छी तरीके से तो वो चीजें बढ़ जाती है बाकी तो करने को वही है ना कि जब आपके पास जब आपको करना है तो आप करोगे और आगे बढ़ोगे जब आगे बढ़ोगे तो साधन अपने आप आपको मिलने लगेगा बट अगर कोई आपको प्रो अपना एक्सपेंस बता देगा तो फिर आप बोलोगे नहीं यार ये तो मतलब ही नहीं है कोई सेंस नहीं बनता या आप तो आप रफ, को, कोई आपको रफ हो कि आपका इस प्रेप के अंदर मुंबई वाले शो के अंदर आपका कितना खर्चा लगाना मेरा बहुत पैसा खर्चा तो मेरा बहुत ज्यादा है मैं जितना भी बोलूँगा वो मतलब सुन के लोग सरप्राइज हो जाएंगे फिर भी सर थोड़ा बता सकते हो <laughs> सरप्राइज करने के लिए फैंस को कि कितना एक्चुअली में कितना खर्चा लगता है प्रो एथलीट का खासकर हमारे सिद्धांत भाई का कितना आप जैसे और... मैं तो नॉर्मल कहीं जाके स्टे भी करता हूँ तो स्टे करने का ही मैंने मतलब मेरे घर से मैं कर सकता था बट नहीं किया मैं जाके अपने दूसरे जगह पे जो मेरी वाइफ थी भैया थे और जो मेरे फ्रेंड्स थे वीडियो से लेके ये लेके तो सिर्फ खाली स्टे करने का जो वहाँ पे रुका था तो लाख रुपए मुझे स्टे करने का मैंने दिया था उसके बाद फिर जाने दो मतलब लग जाता है मेरा शो के टाइम पे कोई पाँच छः लाख रुपए आराम से लग जाता है अच्छा फाइव टू तो सिक्स हाँ बाकी प्रेक्ण आपको प्रेक्ण करना है तो मैं तीस चालीस हज़ार रुपये में भी कर सकते हो बीस हज़ार में भी कर सकते हो अब मुझे चाहिए कि यार मैं आराम से रहूँ मेरा काम दूसरा आदमी करे तीसरा आदमी करे तो उस तरीके से तो मेरा खर्चा, जा रहा था हाँ। तो सर मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे <laughs> ये थोड़ा फनी क्वेश्चन हो गया था वैसे सुदान भाई से तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कि जैसे भी मुंबई प्रो शो हुआ था तो उसके अंदर काफी सारे कमेंट्स आए थे फैंस के कि जजिंग थोड़ी अटपटी लगी थी लोगों को तो आपके हिसाब से सर आपको क्या लगता है कि आपकी डिवीजन के अंदर आपको लगता है कि आपकी जो प्रो शो के अंदर आपकी प्लेसिंग आई थी आपको लगता है कि थोड़ी और बेटर हो सकती थी आपकी प्लेसिंग या आपको जजेस ने थोड़ा ओवर लुक कर दिया आपकी इसके अंदर कोई ओपिनियंस है फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो सुनील यादव सर का जो परफॉर्मेंस था आपको लगता है कि दैट ही डिजर्विंग कि वो जीत सकते थे और ओलंपिया जा सकते थे इसी साल हैं उस सबसे पहले जो होता है आप ही ने मेरा वीडियो डाला था प्री जजिंग का तो वो वीडियो मैंने देखा था तो वीडियो फोटो देख के कभी भी हम लोग जज नहीं कर सकते तो भैया ने जो डाला हुआ था ना वो वीडियो देख के तो ऐसा लग रहा था कि मुझे टॉप फाइव में भी नहीं लेना चाहिए <laughs> वो वीडियो देख के क्योंकि क्योंकि हाँ अभी जैसे सारे कॉम्पिटिटर्स जो होता है ना अभी ये पिलो है ठीक है अभी ऐसे अगर खड़े हैं तो यहाँ से आप देख रहे हो तो ये ऐसा इतना चौड़ा दिखेगा बट फिर इसी को अगर ऐसे घुमा देंगे तो ये इतना पतला दिखेगा तो और उसके बाद फिर नीचे से आप देखोगे तो अलग दिखेगा ऊपर से आप देखोगे तो अलग दिखेगा तो जहाँ पे भैया खड़े थे उस हिसाब से मेरे बॉडी का स्ट्रक्चर एकदम अजीब आ रहा था और उसके बाद फिर मुझे टैन नहीं मिला था हर किसी को मालूम था तो टैन वगैरह नहीं लगा था तो वीडियो में देखने पे मतलब बहुत ही वाहियात मेरी बॉडी लग रही थी जो कि एक्चुअल में ऐसा था कि मैं इतना ज़्यादा ड्राई इतना ज़्यादा रिब्ड था और बॉडी में मेरे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा था आपको कंडीशनिंग अगर उस वीडियो में भी देखना है ना तो मेरे काफ का स्किन देखना आप पूरे के पूरे मतलब वो शायद थोड़ा पास से दिख रहा था तो पॉपअप हो गए वो दिख रहा था तो वहाँ से आप देखोगे ना तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा बाकी जैसे ऊपर जब जा रहा था तो बैक मैं देख रहा हूँ तो बैक मेरा पूरा प्लेन दिख रहा था मतलब ना लोअर लेट दिख रहा था ना लोअर बैक दिख रहा था बट भैया सामने से देख रहे थे तो जो लोग सामने से देख रहे थे ना उनको पता था क्योंकि जजेस जो है वो आपको सामने से देख रहे तो सामने से देखने में ऐसा था कि मतलब मेरे ज़्यादा कोई श्रेडेड कोई उतना टाइट हार्ट था नहीं मेरे जो अगल बगल के कॉम्पिटिटर्स थे ना वीडियो आप जूम करके देखोगे तो उनके बैक में उनके स्किन फोल्ड हो रहे थे वाटर था और मेरा ऐसा था कि मैं एकदम ड्राई था बट वो वीडियो में नहीं दिख रहा था और फिर क्या हुआ कि टैन का भी इशू था और उसी के एक घंटे के बाद जैसे ही मैंने प्रो कार्ड जीता प्रो शो के लिए जब आप प्रो बन जाते हो तो प्रो बनने का देखो एक बेनिफिट आपको ये भी बताता हो जैसे अभी रजिस्ट्रेशन फीस आपको भरना पड़ता है प्रो क्वालिफायर खेलते हो पच्चीस हज़ार या दुबई में जाते हो तो पचास हजार जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगते हैं जब आप प्रो बनते हो तो आपका सारा फीस माफ़ होता है आप जितने भी प्रो शो हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जाके खेलो आपको एक रुपये भी पे नहीं करना है प्रो बनने के बाद सिर्फ आपको आपके प्रो कार्ड का ईयरली फीस पे करना पड़ता है तीन सौ डॉलर या समथिंग कुछ जो भी है वो आपको पे करना पड़ता है स्पॉन्सर एथलीट हो तो आपके इस्पॉन्सर ही पे कर देते हैं और दूसरा चीज़ ये होता है कि ट्रेनिंग कहीं कहीं वो लोग कोलेब्रेशन करके फ्री करते हैं तो कहीं कहीं आपको ट्रेनिंग का पे करना पड़ता है तो यहाँ पे शायद फ्री था तो उसके बाद मशीन से पूरा टैन हुआ शाइनर लगा सब कुछ हुआ और फिर जब आप वीडियो में वो बॉडी देख रहे थे तो बहुत अच्छी और बहुत अलग लग रही थी बट एक घंटे पहले मेरी बॉडी ज़्यादा अच्छी थी उस समय अच्छी नहीं थी क्यों क्योंकि मैं उस समय खीर गया था? <laughs> बट सर आपको लगता है कि आपकी प्लेसिंग थोड़ी और बेटर हो यस यस तो शो जैसे ही हुआ मैं प्रोगार्ड जीता एंकर ने ओवरऑल का कुछ नाम लिया था तो मैंने मुझे बस खाली ओवरऑल ही सुनाई दिया मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो भी आप देखोगे ना आ, प्रो शो का जो सॉरी प्रो कार्ड का प्रो क्वालिफायर का जब प्रो शो के लिए कंपैरिजन हो रहा था तो पहले ही राउंड में बुलाया और मैं और लवप्रीत भाई दोनों लोग मतलब टोटल छः लोग थे तो हम दोनों ही बीच में थे बाकी दो दो इधर इधर थे तो मुझे लगा मैं ही सेंटर में हूँ मुझे ही सेंटर में लिया है तो मुझे ही ओवरऑल मिलेगा क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं हूँ ऐसा तो फिर एंकर ने ओवरऑल का नाम लिया तो मुझे लगा कि जिसको पहले बुलाएगा वही ओवरऑल वाला ही है तो पहले मेरा ही नाम लिया तो मुझे लगा मुझे ओवरऑल मिला है तो मैं उसी समय अमित भैया को ढूंढने लगा बुला रहा हूँ देख रहा हूँ अमित भैया आया ही नहीं क्योंकि हम लोगों ने जो प्रैप किया था प्रो कार्ड के लिए किया ही नहीं था पूरा अपना गोल था पूरा जॉन वी वाले एकदम स्टाइल में कि ऑल और नथिंग मतलब यही मेरा स्लोगन था कि आई विल किल देम ऑल जो भी आएगा मतलब मैं अपने मतलब आप अपने आप को एक विजन रख के एक मोटिवेट करके वो सब करके मतलब सोशल मीडिया पे बोल के मैं ऐसा नहीं कर रहा था अपने मन में करके कर रहा था कि मुझे ऐसा ही करना है मुझे सबसे जीतना है या तो ऑल और नथिंग तो वैसा मेरा विजन था तो जब ओवरऑल में नहीं मिला सिर्फ कार्ड मिला तो भैया गायब हो गया मैं बोला यार क्या हो गया क्यों नहीं है कहाँ है तो बैक स्टेज वो मुझे मिले तो उन्होंने मतलब थोड़ा सा वो थे सैड थे मैं बोला क्या हुआ बोले कि ओवरऑल मैं तुमको नहीं बुलाया अब प्रो शो में जो हम लोगों ने सोचा था वो नहीं होगा तो मैं भी डिसअपॉइंटेड हुआ मैं बोला शिट यार ये क्या हो गया तो आप देखोगे जब मैं प्रो शो के टाइम पर जब मैं एंटर किया ना तो मतलब बहुत गुस्से में था आई वॉज़ वेरी मतलब एंग्री कि यार ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों क्यों नहीं दिया क्यों वो किया तो जैसे ही देखो ऐसे मारा ऐसे एकदम गुस्से में वो फेस उसके बाद फिर और बॉडी भी पूरी पॉप अप होके अच्छे से दिख रही थी फिर आया लाइन में आया फिर उन्होंने भैया ने मुझे बोला कि अभी देखो इन्होंने अगर ओवरऑल में तुमको नहीं लिया है तो अब ये तुमको लास्ट में ही बुलाएंगे तो मैं बोला कोई बात नहीं भैया कम से कम सिंगल पोजिंग करने को मिल रहा है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि स्टेज पे अकेले अकेले पोजिंग करना वो मेरा सपना था तो मैं बोला ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और अपने लोग के सामने परफॉर्म करने को मिलेगा वो भी अपने गाने पे जॉन विक का गाना लगवाया मैंने लगा के फिर बोला चलो हाँ चलो जो होता है करते हैं तो फिर गया वहाँ पर किया भैया ने पहले ही बोल दिया था कि वो तुमको लास्ट में ही लेंगे तुम कितने भी अच्छे दिखो तुमको लास्ट में ही लेंगे तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं देखते हैं तो और वैसा ही हुआ उन्होंने क्या किया कि जो ओवरऑल में फर्स्ट हुआ था लवप्रीत भाई उनको सेकंड कॉल आउट में लिया और जो सेकंड uh, आया था ओवरऑल में इजिप्त वाला लड़का उसको जो होता है उसके बाद के कॉल आउट में लिया और मुझे सबसे लास्ट में मुझे तो मतलब जब सबको बुला लिया उसके बाद एक अकेला मैं बचा तो मैं बोला मेरे को अकेले ही बुलाएंगे क्या <laughs> इतना मैं एकदम दुखी हो गया मैं पूरे टाइम में पूरे प्रो क्वालिफायर के टाइम में जजेस को देख के बस हंस हंस के हंस हंस के स्माइल कर कर के सिर्फ जजेस को ही देख रहा था तो जजेस भी बाद में हंसने लगा तो पूरे टाइम पर मैं हंस हंस के पूरा पोजिंग किया था फिर वहाँ पे मैं सैड हो गया एकदम मुँह झुका के ऐसे कर रहा था तो नीचे से कोई था ऑडियंस में से ऐसे ऐसे कर रहा था तो मैं बोला जाने दो यार जो भी है खुश रहो प्रो कार्ड मिला उसका खुशी मनाओ शो का छोड़ो तो फिर हैप्पी होके फिर मैं पोज़ वगैरह करने लगा और देखा मैंने वीडियो देखा मैं ऐसे वो नहीं करता वीडियो देखा मैं देखने के बाद मुझे लगा नहीं यार मतलब बेटर लग रहा था कि बेटर है क्योंकि चाहे मेरा मास देखो चाहे मेरा फुलनेस देखो राउंडनेस देखो पोज देखो कंपैरिजन में, में मेरे इंस्टाग्राम पे है पिन करके मैंने रखा हुआ है तो उसमें भी जाके आप देखोगे ना जब मैं आया एंटर किया एक एक बॉडी का डिटेलिंग सब कुछ काफ़ी अच्छा था फिर ये हुआ चलो कोई बात नहीं अभी मौका मिला है अब और मेहनत करेंगे और अच्छे से आगे परफॉर्म करेंगे मेरा आदत है मैं कभी कंप्लेन नहीं करता देखता हूँ सीखता हूँ अब मुझे पता है कि अगर मुझे प्रो शो में और अच्छा करना है तो मेरे बैक में और वर्थ और थीकनेस लोअर लैट में और ज़्यादा जो होता है डिटेलिंग्स आएगा तो मैं और अच्छे से डोमिनेट करूँगा और उसके बाद फिर अभी थोड़ा वॉल्यूम और बढ़ाऊँगा थोड़ा बैक में अगर जैसे मेरा टैपर बढ़ेगा ना तो इल्यूज़न और क्रिएट होगा तो अब मुझे पता है मुझे कहाँ पे काम करना है बस लग के चुपचाप से करूँगा फिर स्टेज पर उतरेंगे फिर आपको मज़ा आएगा तो सर ये तो आपकी बात हुई कि आपकी प्लेसिंग मतलब काफ़ी लोगों को लगता है कि आपकी प्लेसिंग बेटर आनी चाहिए थी बट सर अभी जैसे सुनीत यादव सर अभी सेकंड आए थे तो आपको लगता है कि वो भी जीत सकते थे वाला शोर क्वालीफाई कर सकते थे इस साल ओलंपिया के लिए मेरा वही मानना है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है तो अभी जैसे सुनीत भाई अभी मान ले जीत जाते ठीक है ओलंपिया जाते ओलंपिया जाने के बाद फिर टॉप टेन में तो अभी नहीं आते ये आप एग्री करते हो कुछ भी हो सकता है टू एन टू में टॉप टेन में अभी अभी थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए अभी थोड़ा सा वो चाहिए तो फिर नहीं आते तो फिर लोग फिर से चालू हो जाते अरे ये तो यहाँ पे रह के खेलता था तो इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था ये करता था वहाँ पे तो इसमें भी नहीं आया उसमें भी नहीं आया तो और ज़्यादा लोग जितना प्यार करते हैं ना उतना ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लगते हैं तो अभी एक तरीके से देखेंगे पॉजिटिव साइड में अभी सारे लोग बोल रहे हैं यार यार जीतना क्योंकि जब आप नहीं जीतते हो ना तो सेम्पत्ति लोगों का साथ में रहता है तो फिर आपको भी अच्छा फील होता है चलो इतना प्यार इतना सपोर्ट मिल रहा है तो मेंटली अब और वो सुनीत ऐसा बंदा है ना कि एकदम अपने चीज़ों में फोकस रहता है और वो चीज़ को पॉजिटिव लेता है तो अब वो पॉजिटिव लेके अब और इम्प्रूवमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे स्टेज पे तो और बेटर आएंगे अब तो ऐसे आने वाले नहीं हैं अब अपने इस फॉर्म को भी वो बीट करेंगे तो और बेस्ट हो के जब ओलंपिया में जाएंगे तो फिर टॉप टेन में भी आएंगे फिर टॉप टेन में आएंगे तो फिर मजा आएगा। मजा ही है बिल्कुल और हम लोग तो वही चाहते हैं मतलब तो वही बोल रहा है ना जो भी होता है अच्छे, अच्छे लिए के होता लिए होता है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सुनीत तो वैसे तो भी बहुत पॉजिटिव एकदम अलग लेवल बंदा है उनका माइंडसेट काफी अच्छा पूरा